हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो जो है पटवारी स्पेशल होने वाली है। आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम होने वाला है कॉमन एग्जाम दिसंबर में, ग्राम सचिव पटवारी कैनल पटवारी, ठीक है। कैनल पटवारी की भी हमने क्लास स्टार्ट कर रखी है। तो पटवारी की क्लास में हम पढ़ेंगे लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। तो लैंड को मापने के लिए कौन कौन सी जो इकाइयाँ हैं वो यूज़ की जाती हैं, पटवारी का क्या काम होता है, आप सभी भी पटवारी बनेंगे तो आप सभी के लिए ज़रूरी है ये जानना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक हमारा सेकंड चैनल भी है जिसमें हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक करेंगे, माई एग्जाम ट्रिक। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर एक चीज का आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मैं हर एक चीज जो है लिंक करके पढ़ाता हूं। तो जो आपके लैंड मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो सभी की सभी आपको एक लाइन में याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको याद रखना है। हाँ, इंग्लिश में लिखेंगे हाँ कम से करम, ठीक है। आप सभी को पता है आजकल तो हरियाणा एसएससी के जो पेपर आ रहे हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो पेपर निकल जाएगा, नहीं तो कर्म माड़े हैं थारे तो पेपर नहीं निकलेगा। यानी कि कम से कर्म, हरियाणा के बालका के जो कर्म हैं बहुत माड़े हैं, पेपर के लिए कर्म जो है बहुत ज़्यादा उनको चाहिए। हाँ कम से कर्म, तो आप इसी कर्म में इसको लिख लेंगे हाँ, एच ए हाँ कम से कर्म, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये आपकी इकाइयां हैं। कैसे हैं? सबसे बड़ी इकाई ये है, उससे छोटी ये है, ये आपकी घटते क्रम में है। हेक्टेयर, एकड़, कैनाल, मरला, सरसाई और करम, हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी कौन सी है? हेक्टेयर। फिर आपकी कौन सी आएगी? एकड़, जिसको हम किला भी बोलते हैं। हर राज्य में अलग अलग है, हरियाणा की हम बात करेंगे, हरियाणा पढ़ रहे हैं। इसके बाद है कैनाल, उसके बाद है मरला, फिर है सरसाई। सबसे लास्ट में है करम। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, हेक्टेयर, एकड़, कैनाल, मरला, सरसाई और करम, यही ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है सबसे छोटी जो इकाई है वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो बड़ी इकाइयां हैं उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे। यदि हमें छोटी इकाई पता चल गया तो बड़ी इकाई को हम छोटी में बदल लेंगे, ठीक है। हाँ कम से करम याद रखेंगे, हाँ कम से करम, हेक्टेयर, एकड़, कैनाल, मरला, सरसाई और करम। अब हरियाणा के जो बालक हैं उनके करम क्या है? 50-50। कितने हैं? 50-50 हैं, 5.5 लिखेंगे 50-50। कर्म जो हैं 50-50 हैं, आधे आधे हैं, तो 5.5 होता है ये कर्म की यूनिट होती है 5.5 फुट, ठीक है 5.5 फुट। अब आपको फुट को किसी भी चीज में बदलना है तो बदल लेंगे। एक फुट में 12 इंच, यदि इसको इंच में बदलना है तो गुणा कर देंगे आप 12 से। और एक इंच की यदि मैं बात करूं, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, एक इंच की बात करें तो सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो पहले 12 से गुणा करो, फिर 2.54, जैसे भी यूनिट चाहिए आप निकाल लेंगे। तो लैंड मेजरमेंट यूनिट है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट के बारे में बात करेंगे और जो किले की पैमाइश करता है, पटवारी का जो काम होता है वो हम कैसे करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं सरसई, ठीक है। कर्म हो गया आधे आधे यानी कि 5.5। जो सरसाई होता है आपका वो क्या होता है, इसको हम सरसाई बोलते हैं, जो 5.5 और 5.5 का होता है, ठीक है। एक सरसाई किसके बराबर होता है आपका? एक सरसाई 5.5 × 5.5 वर्ग फीट, ये आपका होता है एक सरसाई, ठीक है। इस 5.5 को इस तरह से, ये एरिया है छोटा सा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है 5.5 है, तो इसको हम बोलते हैं एक सरसाई,
5.5 × 5.5, तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 30.25 वर्ग फीट। इतना क्लियर हो गया सबको? एक क्रम में आधे आधे यानी कि 5.5, उसके बाद सरसाई सबसे छोटी है, उसके बाद सरसाई है। एक सरसाई में 5.5 × 5.5 जो होते हैं क्या होते हैं आपके वर्ग फीट होते हैं, तो 30.25 वर्ग फीट हो जाएंगे। आगे चले हैं, एक मरला, मरले की बात करते हैं हम, जो मरला होता है एक मरले में कितने बराबर होते हैं आपके 9 सरसाई के। एक मरला किसके बराबर होता है? 9 सरसाई का। एक मरला 9 सरसाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस सरसाई को हमने बदलना है वर्ग फीट में, ठीक है, मरले को हमने बदलना है वर्ग फीट में, तो हमें बताया भाई एक मरले में 9 सरसाई होते हैं, तो एक सरसाई में कितने वर्ग फीट होते हैं? 30.25 है, तो मरले को वर्ग फीट में बदलना है तो क्या करेंगे, इस सरसाई की जगह हम ये लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 30.25 वर्ग फीट। यदि आपको एक चीज पता लग गई उसके बाद किसी में भी बदल लो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक कैनाल। अब कैनाल में बात करें तो हर एक रिलेटेड है, ठीक है, सरसाई में करम होते हैं, मरले में सरसाई होते हैं, कनल में मरला होता है, एकड़ में कैनाल होते हैं, इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे हम हर एक चीज। तो कैनाल की बात करें तो एक कैनाल में आपका क्या होता है, 20 मरला। एक जो कैनाल होता है किसके बराबर होता है आपका, 20 मरले के बराबर होता है। अब मरले को हम पढ़ चुके हैं सरसई में बदलना, यदि हमें पढ़ना है भाई एक जो कैनाल है कितने सरसई के बराबर होता है, तो एक मरला किसके बराबर, 9 सरसई के, तो मरला हटा दो यहां पर लिख दो 9 सरसई। यदि हमसे पूछा जाए एक कैनाल कितने मरले के बराबर, 20 के, और एक कैनाल कितने सरसई के, भाई 20 × 9 = 180 सरसई के बराबर। यदि आपसे पूछे वर्ग फीट में, अब सरसई की जगह आप रख दो ये, तो रख देंगे 20 × 9, ठीक है, ये हम रख चुके हैं। अब सरसई में वर्ग फीट कितने होते हैं, सरसई की जगह आप रख देंगे वर्ग फीट 30.25, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, वर्ग फीट में। इतना क्लियर, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना वर्ग फीट। आगे चले, अब हम बात करते हैं एक एकड़ यानी कि एक किला जो होता है कितने कैनाल के बराबर होता है। जो एक एकड़ होता है वो 8 कैनाल के बराबर होता है। एक जो एकड़ होता है 8 कैनाल के बराबर होता है। कैसे याद रखेंगे भाई, एक किला, किला इंग्लिश में लिख लो, हमें बदलना है इसको कैनाल में कि एक किला कितने कैनाल के बराबर होता है। तो इस कैनाल का जो के है, इस कैनाल का जो के है इसको 8 बना दो, तो एक किले में कितने कैनाल, याद करने के लिए है ताकि आपको याद रहे, रट्टा ना मारना पड़े, तो एक किले में 8 कैनाल। अब हम पढ़ चुके हैं भाई एक कैनाल में कितने मरले हैं, 20 मरले हैं। यदि आपसे पूछा जाए एक किले में कितने मरले होते हैं, तो कैनाल की जगह यहाँ पर रख दो मरला, 8 × में एक कैनाल में कितने मरले, 20 मरले, ठीक है। तो यानी कि एक एकड़ में कितने मरले होते हैं, 160, ठीक है। अब आप किसी में भी पूछ ले आप बता देंगे। अब आगे आपसे पूछे, इससे आगे भी बताना है कि कितने सरसाई, अब मरला कितने सरसाई के बराबर होता है, 9 सरसाई के, इसको आगे बदलना है और भी आगे छोटी में बदलना है, तो 160 × 9, ये किस में बदल दिया आपने, सरसाई में। अब हमें बदलना है वर्ग फीट में, अब वर्ग फीट में बदलना है तो सरसाई की जगह यहां पर क्या रख दोगे, 30.25, तो ये किस में आ जाएगा आपका, वर्ग फीट में, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, वर्ग फीट में आ जाएगा। तो आपका जो एक किला होता है किसके बराबर होता है आपका, 43,560 वर्ग
फीट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 43,560 अप्रोक्सीमेट। आगे भी पढ़ेंगे हम, एक बार यूनिट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अब हम सबसे बड़ी यूनिट की ओर चलते हैं, हेक्टेयर। जो एक हेक्टेयर होता है आपका कितने एकड़ के बराबर होता है, ये होता है भाई 2.5 एकड़ के बराबर। एग्जाम में आपका पूछा गया था एक बार 2.5 एकड़, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेट आपका होता है 2.47 एकड़। जो भी ऑप्शन में मिले वही आप लगा देंगे। अब आप देखिए हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर, 2.47। अब आपको इस एकड़ को किस में बदलना है, कैनाल में, ठीक है। तो एकड़ की जगह आप क्या रख देंगे, कैनाल। तो 2.47 सेम प्रोसीजर है, 2.47 एक एकड़ में, एक किले में कितने कैनाल, 8 कैनाल। तो एक हेक्टेयर आपका इतने कैनाल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, जो एक हेक्टेयर होता है कितने मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है। जो भी यूनिट पूछेगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी मेजरमेंट यूनिट, कैसे हम मेजर करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे हम बात करते हैं किले के बारे में, ठीक है। इसको रब करते हैं, किले के बारे में पढ़ते हैं हम। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, अब जो रियल काम है पटवारी का वो देखते हैं भाई, किले की जो पैमाइश होती है, जमीन की जो पैमाइश होती है, पटवारी कैसे करता है, आपको भी करनी है, कैसे करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किला जो है पहले हम वो बना लेते हैं, ये हमने बना लिया भाई, ये होता है किला, ये हमारी डायरेक्शन है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ठीक है। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आप सभी को पता होगा। अब किले की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व होता है 220 फुट। कितना होता है, 220 फुट। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना होता है, 198 फिट, ठीक है। कितना होता है, 220 198। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है, किले का, किले का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 220 गुना 198। फिट की बात हुई थी तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग फिट। तो ये किसके वर्ग फिट के बराबर होता है, 43,560 वर्ग फिट। ये हम निकाल चुके हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था जो प्रीवियस में मेजरमेंट में। तो एक किला आपने देखा किसके बराबर होता है, 43,560 वर्ग फिट के बराबर, ठीक है। यदि पश्चिम से पूर्व पूछे तो 220, उत्तर से दक्षिण पूछे तो 198। यदि यही हम बात करें कर्म में, यदि हम यही बात करें कर्म में, इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है। अब इसको मीटर स्केयर में यदि बदलना है, वर्ग फिट को मीटर स्केयर में भी आप सब दे सकता है आपको, तो एक वर्ग फीट में जो आपका एक वर्ग फीट होता है 0.0927 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। एक जो वर्ग फीट होता है आपका 0.0929, ठीक है, 0.0929 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सॉरी, ये 2 9 है 2 7 नहीं। अब इसको यहाँ पर आप रख देंगे तो 43,560 गुना 0.0929, ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वेयर में। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो ये आएगा आपका 4,046 समथिंग आएगा, कुछ 0.7 भी आएगा, ठीक है, 4,046 मीटर स्क्वेयर आपका आंसर आएगा। तो ये तो थी बात किले की, क्षेत्रफल आपका किला यदि वर्ग फीट में पूछे तो 43,560, यदि मीटर स्क्वेयर में पूछे तो 4,046। एक आपसे ये भी पूछता है, यदि यही हम बात करें कि क्रम में जो किले की जो पैमाइश होती है, यदि हम क्रम में करें तो कितना होता है। क्रम में बात करें तो यही आपका पश्चिम से पूर्व होता है 40
कर्म। ठीक है, यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो ये होता है आपका 36 कर्म। अब देखना यही से अब यूनिट आएंगे आपकी। हमने फिट में बात करी थी तो कितना था भैया 220 फिट। फिट में बात करी थी तो 220 फिट था। यदि हमने कर्म में बात करी है तो ये कितना है 40 कर्म। तो हम निकालते हैं भाई एक कर्म में कितने फिट है, तो इसको भाग करोगे 40 से, 40 नीचे आ गया तो ये 4 से 0 से 0 कटा तो 4 पंजे 20 फिर आपका 2 बचेगा। तो यानी कि एक कर्म ने आपने निकाल लिया, यही आपने स्टार्ट में पढ़ा था। एक कर्म किसके बराबर होता है 5.5 फुट के बराबर। ठीक है, हाँ कम से कर्म सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, एक कर्म 5.5 इससे निकाल लेंगे, इससे भी यही आएगा 198 बराबर रखेंगे आप 36 के, इससे भी यही आएगा। ठीक है, इससे भी यही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ देखते हैं, आपकी मेजरमेंट यूनिट हो गई, किले के बारे में आपने पढ़ लिया सभी का सभी। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में जो लैंड मेजरमेंट यूनिट है, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम किले की पैमाइश करते हैं, वर्ग फीट में करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं, कर्म में यदि पूछे तो कर्म में हम कैसे करते हैं 40 × 36 कर्म स्क्वायर। ठीक है, यदि कर्म स्क्वायर में पूछेगा तो कैसे निकालेंगे 40 × 36 कर्म स्क्वायर। तो एक कर्म किसके बराबर होता है आपका 5.5 × 5.5 क्योंकि स्केयर है तो दो बार लिखेंगे तो यही से भी आपका वही आएगा। ठीक है, जैसे चाहे, अब आपको मेजरमेंट जो यूनिट है पता चल गई, अब किसी भी चीज को किसी में भी बदलना है आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यही था आज की वीडियो में, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।